सबसे अच्छा देखो। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे सबसे पहले। खुश हो बेटा। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए। हम हरियाणा से आए हैं जी, कुरुक्षेत्र से। हरियाणा कुरुक्षेत्र। हाँ जी, ये मेरे डीएनए में आठ लोग हैं जी। ये मेरी भाभी जी हैं जो पिछले 10 साल से दिक्कत में हैं। इनके टीवी हो गया था जो ब्रेन में चला गया था। इनका पीजीआई ऑपरेशन हुआ था एक, वहाँ से आराम नहीं मिला। फिर सर गंगाराम दिल्ली में 3 ऑपरेशन हुए थे, तो उसके बाद इनकी एक साइड में भी दिक्कत होने लग गई जी। उसके बाद इनको गठिया भी हो गया, इनको याद नहीं रहता कुछ भी। दवाई चल रही है प्रॉपर गंगाराम से, और इनको बाथरूम तक नहीं याद रहता। जो आप बता रहे हो वो समस्या है ही नहीं असल में, ठीक है। इनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वही गलत हुआ है, इसलिए इनको राइट साइड कम फील होता है। हाँ जी। क्या कम फीलिंग होती राइट साइड? हाँ, आप देखिए सुनने में भी दिक्कत है। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं, सुनने वाली भी समझ रहे हैं। सर्जरी गलत हो गई, कहाँ कराई थी? एक पीजीआई में जी, 3 गंगाराम में दिल्ली। महाराज सब ध्वस्त कर दिया, अब इसको कौन क्लेम करेगा? इसको कोई नहीं क्लेम करता उनसे। और बेटा कितना रुपया खर्चा हो गया होगा इतने काम में, चारों सर्जरी में? खर्चे का तो कोई हिसाब ही नहीं, लाखों में जा रहा है जी। 40-50 लाख रुपये लग चुके। 40-50 लाख खर्चा करके ये वहाँ खड़े हैं, रोबोट बना दिया इनको। वो ना सुन पा रही, ना बोल पा रही, ना बता पा रही कुछ। पूरा नर्वस सिस्टम कट पुट काट लेना, सब डिस्ट्रॉय कर दिया। नहीं बिठाओ बेटा, लिटाओ इनको, लिटाओ। हाँ, पहले नहीं खड़ी सकती थी दरबार आने के पहले, जितना देर खड़ी नहीं अभी, ये खड़ी नहीं हो सकती थी। ये किया है इसलिए इतनी खड़ी हैं। देखो डॉक्टर साहब, टॉप के अस्पताल हैं इंडिया के, वो प्राइवेट में टॉप है और वो सरकारी में टॉप है। हालत देख लो पूरी, अभी ना बोल पा रही हैं, ना समझ पा रही हैं, ना बात कर पा रही, ये कुछ नहीं कर पा रही। ओम। बेटा आपको अपनी सासू जी याद हैं? चेहरा याद है सासू माँ का? हाँ जी। बैठो। इनकी माँ तो साथ आई हुई है जी। इनकी माँ है? हाँ जी। बुलाओ ना यार, सोने सुहागा, बताओ। हथियार लिए घूम रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो? बस इसको करके बताओ। देखिए अब इनकी माँ दूसरा डीएनए है, वो पितर उनके अलग है, अब इनके पितर अलग है। भाई बिटिया के पितर, इनके पति के पितर, उनके इनके पिता के पितर, माँ के पितर। आप बैठिए। ओम। एक हथेली पकड़ लीजिए। ओम ओम। बैलेंस छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए, अलग हटिए, आप इधर आ जाइए, अब हटिए। ओम। घेरा बनाइए, सूक्ष्म रूप से जोड़ दिया जाए, सूक्ष्म रूप से जोड़ दिया जाए। सक्री बैलेंस। ओम। अभी क्या है कि उनकी स्मृतियां मिट रही हैं। ओम। सुश्रुत सर्जरी कर रहे हैं, इनको बना दिया जॉम्बी। नहीं चल, फिल्मों देखा होगा, कोई होश नहीं है।
डेड बॉडी बना दी, चार सर्जरी करके कमाल कर दिया, देखो कितना बड़ा कमाल किया। अब इनसे बड़े है ही नहीं, कहाँ अब कहाँ जाओगे, अभी कहाँ जाए बेचारे। बैलेंस सारी स्मृतियां के अंदर की जाए। ओम। अब सब कट डाला, पूरा इनका नर्वस सिस्टम ध्वस्त कर दिया काट पीट के सब। अब चूंकि साइन पहले करके दे रखा है इन्होंने, बेटा आंखें बंद, आप आंखें बंद करो, आप हाँ आप आंखें, आप आंखें बंद करो, इधर आइए, आप आगे आइए, हाँ क्या हुआ आगे आइए, बस आंखें बंद करिए। जो परिवार के लोग साथ में आए हैं इनके, वो भी आंखें बंद कर लेंगे, इनके डीएनए के लोग केवल, जितनी भी गंदगी दूसरे मजहब की है इनके यहाँ बहुत गंदगी बाहर। ओम शिव, सेवकाओं खिला दिया सब नष्ट कर, उच्चारण फैला दिया उन सबसे आपस में। शिव बैलेंस, पांच बार बोलियो नमः शिवाय, माँ से इनको तोड़ दिया जाए, इनकी शिव बैलेंस अलग किया जाए, सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए, बाहर अग्नि उच्चारण फैला दिया, कोई बाहरी नकारात्मक स्मृतियाँ इच्छा विचार ऐसा ना तो अंदर प्रवेश कर सके, ना बाहर से कोई दूसरा प्रभाव डाल सके। बैलेंस, जो सुनने ना सुनने देने वाली स्मृति है नष्ट करके हटा दी जाए सब, जो सुनने नहीं देती है, सुन के समझने नहीं देती, और इंटरनल सब डैमेज है सब ठीक कर दी जाए, सब नर्व सिस्टम पूरा ठीक कर दिया जाए, सक्रिय किया जाए सब, सब गंदी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए, कंठ कंठ खोल दिया जाए, प्रहार क्या करेंगे, चार सर्जरी कर चुके अब क्या करेंगे, तो इस पे प्रश्न उठाएंगे, नहीं ये तो सब खराब है। बैलेंस, पांच बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल दीजिए, पांच बार ओम नमः शिवाय बोलिए, ओम नमः शिवाय, पांच बार ओम नमः शिवाय, कान खोल दिए जाए, शिव बैलेंस, ओम नमः शिवाय बोलिए पांच बार, पंजे हिला, ओम नमः शिवाय बोल पांच बार अपने आप, बोली जल्दी जल्दी, ओम नमः शिवाय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, देखो बोली बोल गई, खुद को काउंट भी करेंगे, तीन हो गए, देखो ब्रेन काम करने लगा, चार ठीक, पांच अभी नहीं कर सकते थे, अब करवट लो बेटा एक, नहीं 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 नहीं, अलग हटिए, अपने आप करने दीजिए, अभी आप रोबोट बनाए थे, उठने दीजिए अपने आप, अब रोबोट नहीं है, अभी रोबोट नहीं है, जब पहले समझ ही नहीं पा रही थी क्या करना है क्या नहीं करना, ना बिचारी सुन पा रही नहीं समझ पा रही थी, ये रोबोट चार सर्जरी हैं, ये बेचारे ने चार सर्जरी कराई, 50 लाख रुपए लगाए, खड़े हो बेटा आप, खड़े हुए, कोई सहारा नहीं देगा, आपको स्वयं खड़े होना है, बस आसपास रहो, सहारा कोई नहीं देगा। बैलेंस, इनको सिखाओ पहले पंजे मोड़े, हाँ ऐसे, हाँ घुटने आगे करें, घुटने जमीन पे, देखो ऐसे, ऐसे आओ, घुटने जमीन पे, ऐसे ऐसे, इधर देखो, ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आओ, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, सही कर रही,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास करो करो, कोई बात नहीं, ऐसे वेरी गुड, आप समझ पाए। कोई बात, कोई बात, बैलेंस। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये देखो अपने आप खड़ी हुई, आप समझ पा रही। क्या नाम बेटा आपका? पिंकी सर। खूब खुश रहो, अब अच्छा लग रहा है, आप समझ पा रही पूरी बात, देख पा रही हमको, अच्छे हो जाओगे। लेपन करना अपने, अब देख लो ये पुरातन साइंस है और आधुनिक विज्ञान देख लो, देश के सबसे बड़े अस्पताल, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल, इससे बड़ा है नहीं धरती में भारतवर्ष की। उसके बाद चार सर्जरी की और चार में मारा इनको पूरा डेड कर दिया, रोबोट बना दिया। ना खड़ी हो सकती थी कभी, ना चल पा रही थी, ना बोल पा रही थी, ना समझ पा रही थी क्या हो रहा है, रोबोट बना दिया था। और यहाँ 5 मिनट बाद ये खड़ी है, सबको समझ पा रही, बोल पा रही, देख पा रही, समझ पा रही। धन्यवाद गुरु जी। ये लो, खूब खुश रहो बेटा। ये 50 लाख रुपए खर्च करके इनसे कोई नहीं पूछेगा कि 50 लाख तुमने ले लिए, हमारा आदमी मार दिया तुमने, उल्टा कर दिया। अब बेटा अपने आप चलो, मूवमेंट करो, अब जरा सा मूवमेंट करो अपने आप। देखिए जो चलने पर खड़ी नहीं हो सकती थी, इनको खड़ा रखो, खड़ी नहीं हो पाती थी, ये 1 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी, अब ये चल रही, दौड़ रही। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये आपके सनातन धर्म की ताकत, खुलेआम ताकत सर सनातन धर्म की, इसको दबाया जा रहा है, इसको दबाओ। कितने प्रमाण लोगे, मैं कहता हूं इस पे आके बात करो, इस पे आइए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोग, जिस पे तुम फेलियर हो, फेल। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। अब दवाई बहुत चल रही है जी, वो खानी है या छोड़नी है? ये डॉक्टर साहब से दिखाओ ना कि तुमने जो कमाल किया था, ये देखो हमारे सनातन धर्म की ताकत, अब बताओ कौन सी दवा खिलाओगे इन्हें? इसी के लिए तो दवा खिला रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते। तो दवाई बंद करनी है जी, उन्हीं से पूछ लेना, ठीक है? वो देखे तो कि भाई देखो भोलेनाथ की ताकत देखो, माँ की शक्ति तो देख लो, माँ की ताकत क्या होती है। गलत देखो, एक वो माँ जो जगत जननी है और एक वो माँ जिसने जन्म दिया है, वो भी आज काम आई है, उसने टच किया इस बच्ची को अपनी, ये शक्ति उस माँ में छिपी हुई है। गलत बोलती है जी बहुत ज्यादा, गलत वर्ड यूज करती है जी। मैं कहता रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, बात सुनो, ब्रेन डिसऑर्डर वही रहेगा, पीछे से बहुत वो थी, कष्ट थे। चलो लेपन करना और हमको 3 महीने बाद दिखाना फिर से।